दोस्तों आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि नवरात्रि अब शुरू हो गया है, तो इसीलिए मैं नवरात्रि के लिए स्पेशल साबुदाने की खिचड़ी आज बना रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू, मेरे कुकिंग चैनल अंजूस किचन ढाबा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतने कम दिनों में आप लोगों ने जो मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, प्यार किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आगे भी मैं अच्छा काम कर सकूँ, इसके लिए मेरे साथ इसी तरीके से बने रहे, मुझे सपोर्ट करे, प्यार करे, मेरे चैनल के साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है, मीडियम साइज का ये साबूदाना है। इसे जो है हम ये जो कटोरी है इसे मैंने एक कटोरी लिया है और इसे अच्छे से मैंने दो तीन बार इस तरीके से रगड़कर इसका जो भी स्टार्च है वो हम इस तरीके से रगड़कर धुल लेंगे। तीन से चार बार हमें इसे अच्छे से धुल लेना है। सारा पानी निकाल दिया है। अब जितना साबूदाना मैंने लिया था उतना ही पानी, उसी कटोरी से एक कटोरी पानी इसमें डालकर हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढक देना है इसे भीगने के लिए। देखिए 3 घंटे हो गए हैं, तो जितना जो है साबुदाना जो है पानी जितना था सारा जो है ये सोख चुका है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे, छान लेंगे। यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच घी मैंने यहाँ पर डाला है। घी गर्म हो गया है, इसमें मूंगफली के दाने जितना आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, तो वो अपने अंदाजे से कम ज़्यादा आप मूंगफली डाल सकते हैं। इसे भून लेंगे हम। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2-3 मिनट ही लगते हैं। धीमी आंच पर हम भूनेंगे। मूंगफली हमारा जो है ना भुन गया है, तो इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए एक आलू मैंने बारीक काट लिए हैं। अब इसे एकदम से गर्म है घी, उसी में हम इसे डालेंगे और इसे ना मतलब एकदम कुरकुरा होने तक जो है इसको इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम इसे हल्का फ्राई करेंगे इस तरीके से घी में ही। इसको करारे हो जाने चाहिए, बहुत अच्छे से सिक जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये भी बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब इसे भी मैं अलग करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए एक गाजर और एक शिमला मिर्च मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर से। अब इसे जो बचे हुए घी है उसी में हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम जो है ना भुनेंगे। इसे पकने दीजिएगा, इसे पकने में 2-3 मिनट लगेंगे। आप मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने दीजिए। ये साबूदाना की खिचड़ी जो है ना खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो सब्जियाँ पड़ती हैं तो और जो आलू होता है इस तरीके से अगर कट करके हम फ्राई करते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं जिससे मैं इसमें जो है सब्जी थोड़ा भुन गया है उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए सब्जी भुन चुका है, तो जो साबूदाना है उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है और साबूदाना इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स करना। जब आप इस तरीके से साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे ना, तो ये जो साबूदाना की खिचड़ी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरे के पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ मैंने व्रत का नमक सेंधा नमक इस्तेमाल किया है, तो आप व्रत वाले नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप सब्जियों को इस तरह से ना भूनकर बनाएंगे, आलू को फ्राई करके बनाएंगे ना, तो ये साबूदाने का जो खिचड़ी का स्वाद है बहुत अच्छा रहता है।
इस तरीके से। अब जब ये भुन गया है तब हम ये जो मूंगफली है और भुना हुआ आलू बाद में ऐड करेंगे, ताकि इसका जो क्रंच है वो बना रहे। खाने में बहुत अच्छा लगता है जब ये मुंह पे आता है ना, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। जो उबले आलू से हम बनाते हैं ना, उससे काफ़ी ये अच्छा लगता है। फ्राई किया हुआ आलू और सब्जी मूंगफली ऊपर से जब आप डालेंगे तो इसका क्रंच बहुत अच्छा रहेगा। इसे ढक कर हम 2 मिनट के लिए साबुदाने को पकने के लिए छोड़ देंगे। साबुदाने को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए साबुदाना बहुत अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ये रेसिपी ना साबुदाने की खिचड़ी की बहुत अच्छी लगती है। आप इस नवरात्रि में इस तरीके से बनाएं, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे और जो है ना आप भी जब व्रत में खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करना खिचड़ी बनाने का, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी देर बिल्कुल अलग अलग खिला खिला खिचड़ी बनता है साबुदाना। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने ऐड किया है लास्ट में। एकदम से खिले खिले साबुदाने बनते हैं, चिपकते नहीं हैं, ये काफ़ी अच्छे जो है ना लगते हैं खाने में। ये देखिए तो इस तरीके से हमारे जो है ना साबुदाने की खिचड़ी रेडी है बिल्कुल खाने के लिए। आपको ये साबुदाने की खिचड़ी खाकर बहुत मज़ा आएगा, तो इस नवरात्रि में आप जो है साबुदाने की खिचड़ी इस तरीके से ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।